नाम क्या आपका और क्या परेशानी है यहाँ पे? मेरा नाम रीचा सिंह है, मेरे पति का नाम यज्ञ प्रताप सिंह है, हम यही रीवा के रहने वाले हैं। इस समय मेरे पति फतेहगढ़ में है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मेरे पति इस समय फतेहगढ़ में है, उनसे मेरी बात नहीं हुई। 7:30 बजे बात हुई थी, 7 बजे बात हुई थी और उसके बाद मुझे नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं यही चाहती हूँ कि आप सब जो भी देख रहे हो, मेरे पति से मेरी बात करवाएं, मैं उनसे बातें करूं। उनका मोबाइल फ़ोन अफसर लोग ले लिए हैं, मैं यही चाहती हूँ कि उनसे मेरी बात हो जाए। किस तरह प्रभावित किया जाता है तो उन्हें प्रभावित किया जा रहा है कि वो ऐसा आवाज़ क्यों उठाए, और सेना तो नहीं उठाए तो उन्हें क्यों उठाए। मैं यही चाहती हूँ कि हर सैनिक उठाएं आवाज़ और अपने देश के लिए है, या ना कि अफसरों की जूता साफ करने के लिए है या उनके कपड़े धोने के लिए है। उनको बीवी को, उनके बच्चों को स्कूल ले जाना, उनकी बीवी को शॉपिंग कराना, उनके पास 10 जवान अगर उन्हीं के पास लगे रहेंगे तो सरहद पे कौन रहेगा, देश की रक्षा कौन करेगा। मैं यही चाहती हूँ कि सरहद पे रहें, वहीं शहीद हों, वहीं मर जाएं, मुझे कोई गम नहीं। लेकिन अगर जूते साफ कर रहे हैं तो देश की रक्षा कौन करेगा? आप क्या क्या काम कराते हैं? जूते साफ करवाना, कुत्ते टहलाना, खाना बनवाना, किचन का पूरा काम करना, बर्तन धुलवाना, यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम किचन सब साफ करना उनकी जिम्मेदारी, उनके बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी पत्नियों की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी सब सिपाही लोग करते हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं की? कैंप कमांडर, डिप्टी कमांडर, एसएम साहब, ये लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ, ये लोग पढ़ाई परेशान करते हैं। घर में कौन कौन है उनके यहाँ? मम्मी पापा भी होंगे? मेरे घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा गुजर गए, मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरे पति है यज्ञ प्रताप सिंह, और भाई है और उनकी भाभी है। अरे भाई, इतना तनख्वाह मिल रहा है, कम से कम 50-100 रुपये दे के गाड़ी धुलाने से नहीं कर सकता है क्या? हाँ, क्या करोगे? फौज है, इतना ऐसे होगा तो कैसे होगा यार? देखो, कम से कम 50-100 रुपये। इनकी गलती क्या है? अधिकारी है, वो करवाएगा तो करना पड़ेगा, नौकरी नहीं करोगे? सर, गाड़ी का है पैसे मैं दे दूंगा, ठंडा पिला दूंगा, बैठ जाओ। नहीं नहीं, बता दो क्या ढिलाई नहीं किया आज? करा पहले फोटो खींच लेना मेरे। ओहो, वाह, उधर 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 सर, ये मेरे को लग गया भाई। से कोई दिक्कत है? ना, क्या दिक्कत है? तो है इससे और कहीं गिरा सकते हैं हम लोगों को? ये मादा चोर ना आर्मी डाग है? आर्मी डाग है सर? नहीं, आर्मी थोड़ा डाग है। आर्मी डाग है, होता तब मैं मान लेता किसको एक जवान अथराइज है। 50,000 रुपए पर मंथ वाला ये जवान है, पर्सनल है ना ये? पर्सनल है, लेकिन नहीं करेगा तो इसका कोर्ट मार्शल होगा।
ये अगर हुकूमत नहीं मानेगा तो कोर्ट मार्शल में कुत्ता घुमाना अलाउ नहीं है, अगर मना कर देना कहना मैं तो इसको आदेश दिया था, इसने आदेश को खत्म। लेकिन ड्यूटी है तो उसको करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे क्या करोगे, कुत्ता घुमाने हैं तो हमारे अफसर हैं। लेकिन गार्ड वाला पूरा तो उसका काम है, तो काम करना पड़ेगा। अरे सर यहाँ पे मान लो जो पता है यहाँ ब्रिगेड में अपने पॉइंट बनाने के लिए यहाँ बंदे इनको देख रहे हो, मान लो जो इनकी बीपीटी की टाइमिंग देख लो जब दौड़ते हैं ना, तो इनकी टाइमिंग देखो तो लगता है कि मैं जो कोई जवान दौड़ रहा है, और जब यहाँ यहाँ पे दौड़ रहे हैं तो इनके देखो। लेकिन क्या करे, बोल देगा तो इसकी चार सीट मान लो इसके जीवन मुश्किल। चैन गढ़वाल को कौन बोला था उसके मान लो चार सीट नहीं कर दिया था, बोलेगा ऐसा है ना बड़े वाले को। 14 चार सीट हुई थी गढ़वाल में, 14 चार सीट, 14 चार सीट कौन बोलेगा। एक कदम खून काट देता मार कर, पता है कमांडर कुत्ता है गुरुजी, कमांडर का है भैया मत खिलाओ कुत्ते का। ले भाई मेजर को, मेजर को दे दो। अरे मेजर खा ले तुम, खाओ बस 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 देख रहा बड़ी। अरे बस।